15 अगस्त स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ, उसके उपलक्ष्य में 145 साल पुरानी जेल से आज 14 कैदी रिहा हो रहे हैं। जी हाँ, 14 कैदी, जिनमें 8 पहले ही पैरोल पर थे, बाकी 6 को आज छोड़ा गया है। निश्चित रूप से हम लोग कुछ ऐसे लोगों से जो कि जेल से आज छूटे हैं, उन कैदियों से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे वो क्या कह रहे हैं। साथ ही यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सीधे आइए, आपको सुनवाते हैं उन कैदियों से जिन्होंने आज हमसे बातचीत के दौरान क्या कहा, साथ ही अधीक्षक की बातचीत, उनके पुनर्वास के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। क्या नाम है और किस मामले में आप अंदर? भाइयों, इब्रारुल हसन नाम है, हत्या के मामले में सजा पड़ी थी। क्या आप उसमें आप सही में थे या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत? गलत तो हुआ, क्योंकि न रहने पे सजा पड़ी। न्यायालय में अपना पक्ष रखे, न्यायालय ने दोषी माना और सजा सुनाई। आज आप रिहा हो रहे हैं जी। रिहा होने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका जीवन आगे चल के कैसा रहेगा और घर में कौन कौन है? घर में माता जी हैं, और आगे भविष्य के लिए ऐसा है कि साहब लोग बताएं, जेल अधीक्षक साहब, कि पुनर्वास योजना वगैरह शासन की तरफ से है, उसी से आदमी कुछ लोन वगैरह लेके अपना जीवन यापन करेंगे नए सिरे से। किस तरीके की आपने प्लानिंग बना रखी? यहाँ अपने सजा के दौरान हमने यहाँ कुछ काम सीखे हैं, जेल में प्रशिक्षण दिए गए हैं। जैसे उद्योग, मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, वहाँ मशीन ऑफसेट मशीन ऑपरेट करता था, वैसे ही कुछ बाहर वो अपना काम कुछ करेंगे, प्रेस वगैरह का दूरी हो जाए। मैं 1997 को जेल आया था, बेकसूर इस घटना में मेरा कोई हाथ लेना देना नहीं था, और 20 वर्ष में जेल काटा हूँ, अच्छे से काटा हूँ। और अभी 5 महीने छुट्टी में था, आज रिहाई थी मेरी 15 अगस्त 2020 को, आज रिहा हो रहा हूँ। वो क्या मामला था जिस पर आप, आपका ये कहना कि आप निर्दोष थे, वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये सन 1997 12 फरवरी 1997 घटना हुई थी, जिसमें मुझे भी निर्दोष फंसाया गया था। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्रीनिवास तिवारी जी थे उस समय, उनके द्वारा हम लोगों को फंसाया गया था। मेरा नाम राममणि चतुर्वेदी उर्फ भूरा भूरा कहते हैं, मैं रामपुर नैकिन के पास है बाघड़ गांव का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण जात का हूँ। मैं 1997 में मेरे साथ मारपीट हुई थी, मारपीट के दौरान किसने किसको मार दिया ये मेरे को पता नहीं है, और मेरे को बाद में जब 2006 में मैं बाहर रहता था, नौकरी करता था, तो 2006 में जब मैं घर आया तो पता चला कि पुलिस मेरे घर आई है, और कई बार आ चुकी थी, मेरे को सूचना पहुंचा था। इसके बाद आकर के मैं जब थाना गया तो पता चला कि मेरे ऊपर 302 लगाया गया, एक बैस करके था, उस ख़त्म हुआ था, उसको कौन मारा कौन नहीं मारा मैंने तो नहीं मारा था, तो मेरे को फंसाया, फिर फंसा दिए, इसलिए 14 साल सजा काटा। आज आप रिहा हो? आज मैं 15 अगस्त को रिहा हो रहा हूँ। रिहा होने के बाद आपकी क्या भविष्य में क्या प्लानिंग? मेरा भविष्य में देखते हैं आगे क्या सब, क्योंकि सब कुछ उजड़ चुका है, बचा कुछ नहीं है। परिवार मेरा व्यवहारी रहता है ससुराल में, मैं ससुराल में रहता हूँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी बीवी है और मेरे 4 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है, बच्ची मेरी DCA कर रही थी इस साल, और उसकी शादी की वो चल रही, देखते हैं कैसे नारायण कराता है। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा आज केंद्रीय जेल रीवा से 14 बंदियों को शासन रिहाई दी गई है, जो विभिन्न जिलों से हैं। मैं यहाँ नाम पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूँ वो कहाँ कहाँ से हैं। 14 वर्ष वास्तविक सजा काटकर आज जेल से बाहर हुए हैं, और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। वो नाम ले आओ ना। तो इनके पुनर्वास के लिए आप क्या इंतजाम करते हैं? वहीं रहेगा। पुनर्वास के लिए हम जेल में जैसे बंदी प्रवेश करता है
उसके रहन सहन और उसके जीवन यापन के लिए जो भी उसमें आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा वो ग्रहण करता है, फिर उसके बाद हम प्रशिक्षण देते हैं जिससे वो समाज में जाकर यहाँ ऐसा प्रशिक्षण ले जो समाज में जाकर वो पुनर्वासित हो सके। तो हमारे यहाँ दरी, लोहारी, प्रेस और सिलाई और ये बिलाई किस्म थी, ये तमाम प्रशिक्षण हैं। और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये अलग है, दरी, कालीन ये सब हमारे यहाँ बनाया जाता है, ये सीख लेते हैं, ये जाके बाहर भी बना सकते हैं। तो क्या इनके लिए बाहर इंतजाम करेंगे आप? बाहर ये बाहर जिला पंचायत और प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, तो वो वहाँ जाके एक दरखास्त देंगे सीओ से, कलेक्टर को, तो उनको लाभ मिलता है। और वो लाभ हम लोग भी यहाँ से पत्र लिखते हैं कि ये हमारे यहाँ से 14 साल जेल काट कर ये प्रशिक्षण लिया है, इन इसको स्वरोजगार हित मदद करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।